हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो घर में कभी भी आप बना के खा सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स घर में आपको कभी भी मिल जाएंगे। मैंने लिया है शक्कर शक्कर यानी जैगरी। आप चाहें तो चीनी ले सकते हैं या गुड़ के टुकड़े कर सकते हैं। इसमें पानी डाल के मैं इसको उबाल रही हूँ। इसको चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, और थोड़ा मैंने पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना। इस तरह से हम पानी में जैगरी को बॉयल कर लेंगे। अब मैंने लिया है आटा। आटे में मैं डाल रही हूँ सौंफ, साथ में मैं डाल रही हूँ एक कलछी भर के दही। थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ताकि मेरा ये सॉफ्ट बन जाए। अब पहले मैं इस चम्मच से इस दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये आराम से सब में मिल जाए। फिर मैं जैगरी वाले पानी से इसको आटे को मल लूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा मलते हैं वैसे ही इसको मल लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मल लेंगे। एक साथ सारा जैगरी नहीं डालना है, थोड़ा डालिए और इसको फिर हाथ से आटे की तरह बना लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, जल्दी बन जाता है। और कहीं भी सफ़र में जाओ, कहीं घूमने जाओ तो ये आप आराम से बना के ले जा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको आटे की तरह बना लिया है। हल्का सा घी या थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे से मल लेंगे। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना हार्ड, बिल्कुल नॉर्मल बना के इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इस तरह से मैं बर्तन में रख के इसको रेस्ट होने के लिए रख रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद मैं हल्का सा घी लगाऊंगी और इसको हाथों पे भी अपने घी लगाऊंगी और इसको एक बार और मल लूंगी। इस तरह से इसको दोबारा से मलना है। ये मेरे ना हाथ पे चिपक रहा है ना चकले पे, इसका मतलब मेरा आटा बिल्कुल सही बना है। और इसमें एक अच्छी बात होती है, हम अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो पानी कम डालिए। अगर हल्का मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के इसको बॉयल कर लीजिए। इस तरह से मैं अपनी सारी पेड़ियाँ बना लूँगी। ज़्यादा एक बार में नहीं बनाई है, 4 से 5 पेड़ी तक एक साथ बना सकते हैं या एक एक करके भी बना सकते हैं, वैसे भी ठीक रहेगा। पेड़ियों को बनाकर हल्का हल्का हल्के हाथ से इसको बेल लूँगी। इस तरह से मैं इसको गोल गोल बेल लूंगी। एक कलछी की मदद से इसमें हल्का हल्का मैं घी लगाऊंगी और इसकी वापस पेड़ियां बना लूंगी। घी हमें जरूर लगाना चाहिए ताकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहे। फ्रेंड्स, ये मीठा मीठा तो बनता है, ये इतना अच्छा रहता है कि ये 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होता। आप इसको रखकर जब मर्जी जब खा सकते हैं। कोई मेहमान आए तुरंत बना सकते हैं। अगर कोई सामान भी नहीं हो घर में, ये चीज़ें तो आराम से घर में मिल जाती हैं, आप आराम से मीठा खा सकते हैं। और ये इतनी नरम बनती हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं होती। इस तरह से मैं इसके हल्के हाथों से बेल लूँगी। ध्यान रहे जब हम बेलें तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। आप देखिए मेरी आराम से बेल रही है, ना चिपक रही है ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और मैंने पॉलीथीन भी सिर्फ एक बार लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। इस तरह से बेल कर इसको नॉर्मल रोटी या परांठे की तरह सेक लेंगे। जब हम डालते हैं इसको टच नहीं करें, जब लगे थोड़ा बहुत नीचे से सेक गया है तब इसको पलट कर हम इसमें घी लगाएंगे। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। किसी में भी सेकिए, किनारों से सेकना चाहिए, बीच से अपने आप ही सेक जाता है। इस तरह से अलट पलट के अपने परांठे को सेक लीजिए। इस तरह से हमारे मीठे परांठे तैयार हो जाएंगे। आप चाहे कहीं घूमने जाएँ तब ले जाएँ, घर में बनाएँ, मेहमानों के लिए बनाएँ या टिफ़िन के लिए बनाएँ, हर सूरत में ये अच्छे लगते हैं। हल्के मीठे के बनाएँ या ज़्यादा मीठे के बनाएँ,
आपकी चॉइस है। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं अपने सारे परांठे बना लूँगी। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको माइक्रोवेव में गर्म करके आप कभी भी खा सकते हैं।